हाँ, पिछले एपिसोड में हमने बता दिया था कि एनीमिया क्या होती है, लेकिन इस एपिसोड में हम बताना चाहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। तो इसमें दो क्लासिफिकेशन बताया गया, एक है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा है इटियोलॉजिकल, यानी बनावट के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन, और दूसरा है कारण के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन। अब अगले वीडियो में हम इन दोनों को एक्सप्लेन करना चाहेंगे।